नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक साधक कुंडलनी शक्ति को जागृत करके, कुंडलनी साधना कर करके, चक्रों को एक्टिव करके, चक्रों को हीलिंग करके, चक्र साधना करके, मंत्र जाप करके किस प्रकार से अपने मस्तिष्क को सुपर पावर बना देता है, एक बड़ा अच्छा अपने आप को डेवलप कर लेता है, अपने आप को सुपर पावर में तब्दील करने लगता है केवल मस्तिष्क का विकास करके। तो आप पहले इसके विषय में मस्तिष्क को समझे तो मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ब्रह्मांड का आज भी इतना रहस्य है जिसको सुलझाना आसान नहीं है। मॉडर्न साइंस आज तक केवल 5% ही शायद ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझा पाई हो, या उससे भी कम। जो आज जान रहे कल वो झूठा हो सकता है, ऐसा अनसुलझा रहस्य इस ब्रह्मांड का। फिर उसी ब्रह्मांड में जितने रहस्य छुपे हैं, जितनी अदृश्य शक्तियां उस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, उतनी सारी शक्तियां के स्वामी आप भी आपके ब्रह्मांड में मौजूद है, यानी हमारे मस्तिष्क में। मॉडर्न साइंस आज भी शायद 10-5% ही हमारे मस्तिष्क के विषय में जानता है। इसके अंदर होता क्या है, कब कौन सी हलचल हो जाए, कुछ पता नहीं है। व्यक्ति की मोशंस, व्यक्ति के शरीर सब इसी से कंट्रोल है। ये एक्टिव हो गया तो आपको सुपर पावर बना देगा, वो डीएक्टिव हो गया तो बर्बाद कर देगा। मस्तिष्क में चलता है विचार ना, अच्छा बुरा मस्तिष्क से बनता है। कोई बुरा थोड़ो चाहता अपना, लेकिन बुरा हो जाता है, वो मस्तिष्क कराता है। पूरा आपका जीवन आपके मस्तिष्क पर निर्भर है। शरीर को फिट करने के लिए हम 6 पैक 8 पैक जितने भी पैक लगाना है लगा देते हैं, बना देते हैं, लेकिन इस मस्तिष्क के लिए आप लोग कभी 6 पैक बनाए मस्तिष्क को? इस मस्तिष्क का 6 पैक है मेडिटेशन, ध्यान, कुंडलनी साधना, चक्रों का हीलिंग देना। ये जो है ये मस्तिष्क की साधना है, मस्तिष्क का योग है, मस्तिष्क को मजबूत बनाना है। दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, इतनी प्राचीन साधना, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन ज्ञान हमारे पास मौजूद था, जहां पर शरीर के साथ मस्तिष्क दोनों को भरपूर इस्तेमाल करने के विषय में जानकारियां थी, दोनों को मजबूत करने की बात की गई थी। तो आजकल हम लोग इस पे कोई कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बार बार यही निवेदन है कि इस पर काम कीजिए। आप देखना कई व्यक्ति चोट लगती है मस्तिष्क में, पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। वही किसी आदमी को शरीर में चोट लगती है, मस्तिष्क में चोट लगती, उसके अंदर कोई एक अलग गुण डेवलप हो जाता है। कई लोग आदमी के शरीर को पार देख सकते हैं, कई लोग पिछली अनुभूतियों के विषय में बात करने लगते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। एक आदमी गिर करके आंखों की रोशनी खो देता है, एक आदमी गिर करके आंखों की रोशनी ठीक कर लेता है। तो कितना अनसुलझा रहस्य है इस मस्तिष्क का। तो रहस्यों को तो हम छोड़ दें, पहले तो इसको समझे, पहले तो इसको शांत करें, इसको एक्टिव कैसे करना है उसके लिए इसे डीप मेडिटेशन चाहिए। और डीप मेडिटेशन में गहरी ध्यान साधना का जो सबसे उत्तम तरीका है वो है कुंडलनी साधना। जब तक आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत नहीं होगी, आपके सारे सातों के सातों चक्र एक्टिव नहीं होंगे, 6 चक्रों का भेदन नहीं होगा, आप समाधि की यात्रा नहीं करोगे, तब तक आप मेडिटेशन को नहीं जान सकते, गहरे ध्यान को नहीं समझ पाओगे। केवल आंख बंद करके बगुला भगत बन सकते हो, ध्यान साधना आपके बस की नहीं है। हमें विश्वास है यह ज्ञान चर्चा आपको समझ में आई होगी। अगर कुंडलनी शक्ति के विषय में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां बहुत सारी ऐसे ज्ञान की वीडियो पड़ी हुई है, उनका लाभ ले सकते हैं। और कोई अगर बात न समझ में आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।